सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञान में। दोस्तों, आपने अगर एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई किया है तो और अगर आपको इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आज हम आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए, आप इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे होंगे अगर आप इस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो आप अपना मेल अकाउंट एक बार चेक कर लें। आपको ये इस तरह का एक मेल आया होगा जिसमें कहा गया होगा कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट, और यहाँ पे आपको दिया गया होगा वो कौन सा अकाउंट है, उस किस मेल आईडी से आपने वो अकाउंट बनाया है। अगर हो सकता है आप वो मेल आईडी आपने टेम्परेरी बनाई हो, उसे भूल गए हो, या फिर आपने उसे बनाया हो लेकिन यूज़ ना करते हो, या कोई भी रीज़न से आपने उस मेल में चेक नहीं किया हो, या वो एडसेंस अकाउंट चेक ना करते हो, या आपने उसको कभी यूज़ ही ना किया हो और आपने एक नया एडसेंस अकाउंट बनाया है, तो आपको इस तरह का एक मेल पक्का आया होगा। आप उसे चेक कर लें, अगर नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको मेल आया है तो उसमें ये लिखा होगा कि कंटिन्यू यूजिंग योर एग्जिस्टिंग अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस मेल आईडी। ये मेल आईडी आपको कंप्लीट नहीं लिखा होगा, शुरू के कुछ अक्षर होंगे, कुछ लेटर्स होंगे, उससे ही आपको इसे फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा मेरा अकाउंट हो सकता है। और ये मेल आपको बिल्कुल गूगल एडसेंस टीम की तरफ से आएगा, ये ऑथेंटिकेटेड मेल होगा। तो आपको करना क्या है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, अगर आप इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस अकाउंट में लॉगिन करके, आपको याद है इस अकाउंट में लॉगिन करके आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कंफर्म करके ओके कर दीजिए तो ये अकाउंट आपका एक्टिवेट होने के लिए आपको रिक्वेस्ट चली जाएगी। बट अगर आपका अकाउंट ये ऑलरेडी एक्टिव है, आप देख रहे हैं, तो आप इसी के साथ जाइए और जो ये अकाउंट है आप इसे कैंसिल कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। तो मेरे केस में क्या है कि मैं इस अकाउंट पे जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मैंने नया अप्लाई किया है, लेकिन जिसके वजह से मुझे कहा गया है कि पहले से आपका बना हुआ है, तो पहले से बना हुआ था हम उसी पे यूज़ करेंगे, क्यों दोबारा जाएंगे उसे बनाने के लिए। तो मैं इस अकाउंट को डिलीट कर दूंगा या कैंसिल कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैंसिल करते हैं। सबसे पहले आपको ये देख लेना है किस एडसेंस पे है और आप उसी अकाउंट पे लॉगिन भी होंगे बाकायदा, तभी ये आपको एरर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इसे डिलीट करने के लिए, तो आपको इसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, माय अकाउंट पे जाएं, मैनेज योर डेटा एंड पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे जाएं, पेमेंट मेथड पे जाएं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से बताऊंगा। और ये देखिए, यहाँ से ही आपको इसे डिलीट करना है, लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे। अगर आप एक बार चेक करना चाहते हैं आप देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे लेकिन आपको ये पार्ट नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना आएगा ऐड पेमेंट मेथड। तो डिलीट कैसे करना है या हटाना कैसे है, आपको सेटिंग में जाना है और नीचे आ जाना है, उसके बाद इसे क्लोज प्रोफाइल करना है। लेकिन इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके माफ करिएगा, ये पेमेंट मेथड आपका ऐड आएगा, ऐड करने के लिए आएगा, लेकिन ये डिटेल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है नेक्स्ट, आपको ऐड पेमेंट मेथड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके ये सारे जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, सारे टैब्स हैं आपके एनेबल हो जाएंगे। तो ये आप कैसे करें, आपके क्रेडिट कार्ड या आपके डेबिट कार्ड का डिटेल मांगेगा, लेकिन आपको वो नहीं डालना है। आपको क्या करना है मैं आपको बहुत ही आसानी से बताता हूँ। आपको गूगल की एक और गूगल पे जाना है, एक टैब ओपन करना है, आपको लिखना है फेक पेमेंट डिटेल, और आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसमें से पहला कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिटेल आ रहा है, यहाँ पे जनरेट, ये आपको इस तरह का एक डिटेल आ जाएगा। तो आपको जब
पेमेंट आप ऐड करेंगे, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सब ऐड करने के लिए सारी डिटेल्स मांगेगा, तो आप यहाँ से वो सारी डिटेल भर सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि आपको ये डिटेल भरनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपका ये ऑप्शन एनेबल होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आपने ऐड कर दिया और आपके ये सारे ऑप्शंस भी आ गए, तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली नीचे जाएंगे, एक बार आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल आईडी और सब डिटेल चेक कर सकते हैं। सब डिटेल तो आप जो पेमेंट डिटेल डालेंगे वो यहाँ से आएगा, बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं आपको कौन सा अकाउंट डिलीट करना है। यहाँ पे जाइए क्लोज पेमेंट अकाउंट, और यहाँ पे आपको रीज़न पूछेगा आपको क्यों डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कोई भी रीज़न डाल सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कौन सा सेलेक्ट करते हैं। I just found out I have this profile and don't want it. Okay, I have a bad experience with the customer. I want pay store. Okay, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम अदर कर लेते हैं। कस्टम रीजन देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ओके हम ओके कर देते हैं। ओके ये तो कंपलसरी मांग रहा है, तो हम कुछ और सेलेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो हम पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कंटिन्यू कर देते हैं, और ये आपको दिखाएगा कि क्लोज पेमेंट, तो आप इसे क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। अभी आपको 24 आवर्स लगेगा ये कम्प्लीटली क्लोज होने के लिए, और आपको एक मेल भी आ जाएगा, तो हम देख लेते हैं अगर मेल तुरंत आ गया या थोड़ी देर में आएगा, ये कन्फर्म नहीं होता है कि कब मेल आएगा आपका। आई थिंक ये अभी आ गया, तो ये आपको कन्फर्मेशन मेल दे रहा है, ये कह रहा है कि वी हैव क्लोज योर गूगल पेमेंट, तो ये क्लोज दिखा रहा है लेकिन ये अभी कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ है, आप इसे रिट्रीव कर सकते हैं दोबारा से, लेकिन कुछ टाइम लगेगा आपको, ये आप कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे थे एडिंस पे, गूगल एडिन अकाउंट पे, वो सॉल्व हो जाएगी और आपका पुराना अकाउंट आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए। और बस अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।